वक्त, ख्वाहिशें और सपने, ये तीनों हाथ में बंधे घड़ी की तरह होते हैं। जिसे हम उतार कर रख भी दें तो इनका चलना रुकता नहीं। इसलिए वक्त की कद्र करो और अपनी ख्वाहिशों को, अपने अरमानों को पूरा करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहो। अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा जागते रहो। जीवन में विकट परिस्थितियों की आंधी में जो टिके रहते हैं वही तो खास होते हैं। हर एक इंसान में एक प्रतिभा छुपी हुई है। दुर्भाग्य यह है कि हम उसकी उस प्रतिभा को देखने के बजाय दूसरे जैसा बनने के चक्कर में उस प्रतिभा को नष्ट कर देते हैं। हेलो भाइयों, नमस्कार। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। इस वीडियो में शुक्र से जुड़े हुए तीन पॉइंट्स आपको बताऊंगा और ये अनुभूत है। लग्न से और चंद्रमा से जिसकी भी कुंडली में शुक्र होता है वो प्रसिद्धि पाता है और वो धन भी पाता है। प्रसिद्धि बहुत महत्वपूर्ण है। अगर जन्म कुंडली में सिंह राशि में शुक्र है तो बेशक मानिए ऐसा व्यक्ति बेहद विद्वान होता है। ऐसा व्यक्ति एक अच्छा लेखक हो सकता है, एक अच्छा सलाहकार हो सकता है और एक अच्छा ज्योतिषी भी हो सकता है। और इन्हीं विधाओं में, यानी विद्वता में, लेखन में, ज्योतिष में, सलाह में अपार ख्याति प्राप्त करता है, सफलता प्राप्त करता है और धन भी प्राप्त करता है। प्रायः आप ये समझिए कि शुक्र का जन्म कुंडली में सूर्य और शनि से कनेक्शन हो रहा है, चाहे वो नक्षत्रगत कनेक्शन हो, चाहे दृष्टिगत कनेक्शन हो, भावगत कनेक्शन हो, तो व्यक्ति ज्योतिष के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त करता है। भाइयों, आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमय कामना के साथ एक बार प्रेम से बोलिए जय माता।